रायबरेली जिले की नगर पंचायत परसदेपुर में नगर वासियों को पीने के लिए जल्द ही शुद्ध पेयजल का लाभ मिलेगा। हम आपको बताएं, केंद्र सरकार की अमृत 2 योजना में नगर पंचायत का चयन किया गया है, साथ ही नगर में सीवर लाइन का कार्य अलग से कराया जाएगा। मंगलवार को जल निगम के अधिकारियों ने योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि का निरीक्षण किया। हम आपको बताएं, शहरों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना का शुभारंभ किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2021 में अमृत 2 योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत निकायों में पीने की पानी की आपूर्ति व सीवर लाइन आदि कार्य कराए जाने हैं। रायबरेली में योजना के प्रथम चरण में नगर पंचायत परसदेपुर व बछरावा का चयन किया गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी के सहायक अभियंता अवध किशोर ने नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद कौशल के साथ परसदेपुर में योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि देखी। उन्होंने कटरा बाजार स्थित पानी की टंकी और बाकर बेग में जमीन देखकर बताया कि 25 करोड़ रुपए की योजना से सभी वार्डों में पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी, साथ ही सीवर लाइन का कार्य भी शुरू कराया जाएगा। नीरज श्रीवास्तव, S7 न्यूज। मैं सहायक अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी अवध किशोर। ठीक है, निरीक्षण ये किया गया, सिटी वाटर एक्शन प्लान जो अमृत 2 योजना है भारत सरकार की, उसमें इसका चयन हुआ है परसदेपुर नगर पंचायत का पहले चरण में, जिसके लिए हम जमीन के सिलसिले में आए थे। तो चेयरमैन साहब ने जो है जमीन वगैरह उपलब्ध करा दी है, दिखा दी है, और ये अपलोड हो जाएगा, ये योजना स्वीकृत हो गई है, जिसके लिए हम यहाँ पे जो भी प्रस्तावित सभी वार्ड हैं उसमें पेयजल की मतलब समुचित व्यवस्था उसके लिए। और यहाँ का सबसे बड़ी बात ये कि सीवर संबंधी जो है CWAP भी जो यहाँ का जो है CSAP भी जो है मंजूर हो चुका पहले ही, तो वो भी हम जो है घनी आबादी में सबसे पहले सीवर लाइन का इंतजाम यहाँ हो जाएगा। तो इस पर काम चल रहा है और ये हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे इसको। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो पूरे प्रदेश में विकास कर रहे हैं, उस विकास की धारा में हमारे परसदेपुर को लिया। दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा जो भी मैं पत्र भेजता हूँ उस पर विशेष ध्यान दे करके परसदेपुर को हर घर नल और सीवर लाइन प्रस्तावित थी, वो पास हो गई। अब यहाँ पे हमारे नगर में हर घर को नल मिलेगा, जल मिलेगा। ये कार्य दीदी के द्वारा हमारे नगर को उपलब्ध हुआ है।